हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस जो पिछला हमने दिया था 19 तारीख को उसका रिजल्ट क्या रहा और आज ये 20 तारीख वाला हमने जो 20 क्या अब आज के लिए जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया तेईस हो जाएगा बेसिकली तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं तो चलिए पहले देखते हैं हम उन्नीस तारीख वाले जो स्टॉक हमने लिए थे तो पहला लिया था एसीसी जिसमें एस एल हिट हुआ डेढ़ परसेंट का नेगेटिव आया इंपैक्ट अगेन हावल्स भी नेगेटिव था एस एल हुआ एच डी एफ सी में हमें माइनर वन परसेंट के आसपास का गेन मिला उसके बाद हमें एच डी एफ सी लाइफ में लगभग तीन परसेंट का गेन मिला जो कि मार्केट काफ़ी बी था जो हमने बी के लिए सेलेक्ट भी किया था तो बहुत अच्छा रिटर्न इसमें देखने को मिला बाटा इंडिया अगेन नेगेटिव रहा 1.3 परसेंट का गेन रहा झील भी अगेन नेगेटिव था लगभग 1 परसेंट का गेन था तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा 3 परसेंट का गेन रहा जिसमें दो हमारा एस एल हिट हुआ उसके बाद भी तो आज देखते हैं आज का क्या व्यू है मार्केट एक्सट्रीम नेगेटिव दिख रहा है इसलिए आज हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी स्टॉक नहीं ले रहे हैं तो आज के लिए जो हमने स्टॉक चूज किया है जो सेल साइड के लिए है वो है पहला बजाज फाइनेंस दूसरा है अपोलो टायर अंबुजा सीमेंट रिलायंस एनफी और अदानीपुर फटाफट से हम इनको चार्ट पे भी देख लेते हैं पहले देखते हैं बजाज बजाज फाइनेंस फाइनेंस देखिए अगर में आप देखें तो एक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली ठीक है डाउन ट्रेंड में अगर आप यहाँ पे देखें ये एक रेंज था एक रेंज के अंदर काफी दिनों से था और ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है तो अभी एक हाई प्रोरिटी है इसके नीचे जाने का इसलिए हमने बजाज फाइनेंस को सेलेक्ट किया नेक्स्ट है हमारा आ, पोलो टायर अब पोलो टायर आ, पोलो टायर देख लेते हैं आ, पोलो, टायर। तो आ, पोलो टायर्स तो आ, पोलो टायर्स भी देखिए आप एक कंटिन्यूस ट्रेंड में था एक आ, उसके बाद एक डाउनफॉल लिया पुल बैक लेके अगेन इसने इस आ, सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये यह कि यहाँ तक का कोशिश करेगा इस लेवल तक को अप्रोच करने की ठीक है तो इसलिए हमने इसको बाय uh, के लिए कंसीडर किया ठीक है नेक्स्ट स्टॉक है? है हमारा अंबुजा अंबुजा सीमेंट देखते हैं सो so, अंबुजा सीमेंट में भी अगर आप देखें यहाँ पे आपका डाउनफॉल चल रहा है एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है कंटिन्यूस को सपोर्ट कर तो हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि देखिए यहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं तो एक बार को अगर ये ब्रेक किया तो ये तगड़ा ब्रेक हमें यहाँ तक को देखने को मिल सकता है तो इसलिए हमने अंबुजा सीमेंट को नेगेटिव क्लियर रखा है नेक्स्ट है हमारा रिलायंस रिलायंस देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखें तो अगर आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस डाउनफॉल आ रहा है पुल बैक आ रहा है फिर फॉल ये एक सपोर्ट जोन था यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है अब ये अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही तेजी से नीचे जाएगा बिकॉज ये ये जो कैंडल काफी स्ट्रांग नेगेटिव बनाया है तो हाई प्रोरिटी है एक नीचे जाने की तो हो हमारा इनफी इनफी में देखिए आपको ये अप आप ट्रेंड में जाके ये ये रेजिस्टेंस लेवल पे आके टकरा के और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिए तो हाई प्रॉल्टी है एक बार को और अब ये नीचे जाए और फिर ऊपर जाए तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं सेल साइड के लिए देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ठीक है तो एक हाई प्रॉल्टी है इसके नीचे जाने की नेक्स्ट है हमारा अदानी पोर्ट्स अदानी पोर्ट्स तो अदानी पोर्ट्स भी देखिए कंटिन्यूस डाउनफॉल में चल रहा है एक सपोर्ट लेवल पे था सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है ठीक है और एक स्ट्रॉन्ग पिन बार या शूटिंग स्टार बनाया है तो एक हाई प्रॉरिटी है कि अभी और ये नीचे जा सकता है तो ये है आज के हमारे टॉप सिक्स स्टॉक जो हमने सेलेक्ट किए हैं आज के ट्रेड के लिए तो एंड ऑफ द डे देखते हैं कि क्या निकलता है टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में थैंक यू बाय बाय